हेलो भाई, मोंटी मलिक एंड ही इज कियांश मलिक। और आज हम आए हैं नैनीताल घूमने के लिए। नैनीताल पहुंच चुके हैं। आपको लग रहा होगा बैक टू बैक हम ट्रिप्स कर रहे हैं, पहले गोवा की फिर सिंगापुर की, अब नैनीताल आ गए हैं। मैं रास्ते का व्लॉग शूट नहीं कर पाया। कियांश हाय बोलो। हेलो बोलो, इसका मूड नहीं है अभी तो। अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं, हमने बुलेरो बुक की है, उसके अंदर बैठ के जाएंगे। होटल में रुके हुए हैं जो कि मून लाइट होटल है यहाँ पे। हेलो बोल दो। अच्छा ठीक है, तो गाड़ी में बैठते हैं फिर वापस से बात करते हैं। अब हम यहाँ के जो भी नैनीताल के प्लेसेस है वो विजिट करेंगे और लेक वगैरह वो भी देखेंगे, है ना। यहाँ पे हमारी गाड़ी आ गई जो कि है शेवरले की गाड़ी है, इसमें बैठ के हम जाएंगे घूमने के लिए, है ना। यस, ये भी यहाँ बोल रहा है। कौन सी गाड़ी है भाई? ये टवेरा। अच्छा टवेरा है ये। क्या बैठ गया है बैक साइड वाली सीट पे। आए बोलो। चलो कर दो बंद। हाँ जी भाई, अभी क्या क्या दिखाओगे आप हमें? भैया हम जाएंगे आपका सबसे पहले वो मनसा देवी का टेम्पल। अच्छा। वाटरफॉल। हाँ। और उसके बाद जाएंगे सरिता ताल लेक। अच्छा। उसके बाद जाएंगे एडवेंचर पार्क। ओके। उसके बाद जाएंगे तुम्हारा बोटानिकल गार्डन। अच्छा। उसके बाद फुरपाताल लेक व्यू पॉइंट। अच्छा। बारह पत्थर, लवर्स पॉइंट, साइड पॉइंट, हिमालय दर्शन और मैंगो पॉइंट। ये हो जाएगा सारा आज ही दिन में? सारा का सारा हो जाएगा भैया। भैया हिमालय मतलब जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। यस यस, ये हो गया बात। चलो वही देखेंगे। ये देखो भाई, यहाँ का व्यू हमारे रात में भी अपना पहला पॉइंट व्यू आ गया है जो कि मनसा देवी है। खुल नहीं रहा वहाँ से, मैंने खोल के देख लिया। सो हमारा पहला व्यू पॉइंट आया है श्री माँ मनसा देवी मंदिर। ये देखिए मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ से व्यू दिखाऊँ ना आपको मैं? इधर देखो मंकी, टिशु को मंकी दिखाओ, बैठा टिशु मंकी बैठा, टिशु मंकी दिखाऊँ आपको? देखो वो बैठा मंकी, वो बैठा मंकी दिखा आपको इसका वो देना। हाँ मंकी वो बैठा, बोलो मंकी। वो मंकी है भाइयों, ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है मंकी को देख के। बोलो मंकी। अब नहीं बोलेगा ये, बेइज्जती इसको पूरी करानी है। जब भी बोलना टाइम आता बोलता नहीं है। तो पहला व्यू पॉइंट आया अपना मनसा देवी माता का मंदिर, तो यहाँ पे आशीर्वाद ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमें जूते चप्पल निकाल के और आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माता जय करो करो। ये हमारा भगत आदमी, जय हो, वेरी गुड। ये खुरफा ताल है यहाँ पे जो कि मनसा देवी मंदिर के बिल्कुल पास में है भाई। नैनीताल में ना ये ताल है, खुरफा ताल कहते हैं इसको। इसके गाय के खुर जैसी है ये, मतलब ये। और यहाँ पे ना मतलब कहते हैं कि केव वगैरह गुफा है इसके नीचे, इसकी गहराई किसी को नहीं पता इस ताल की। और यहाँ पे जाना बिल्कुल बैन है, पहले जा सकते थे लोग, अब नहीं जा सकते यहाँ पे। यहाँ को दिख भी रहा होगा, बाकी मनसा देवी मंदिर के जस्ट सामने है ये मंदिर भी यहाँ बनाया गया है। यहाँ से काफ़ी सुसाइड हो गए थे, इसको परमानेंटली बैन कर दिया गया, नाना वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं इसके अंदर। यही एक ऐसी ताल है जिसका किसी गहराई किसी को पता नहीं है। तो चलिए यहाँ का व्यू तो हमने देख लिया है, फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए हैं, व्यू देखो बाकी आप यहाँ का, बहुत ही बढ़िया मौसम है। सो खुरपा ताल से हम निकल चुके हैं, अब कहाँ जाएँगे भाई? वाटरफॉल जाएंगे, वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। बाकी हमने गाड़ी बुक की है अपनी क्योंकि टवेरा है शेवले की। ये देखो भाई मिस्टर कियांश मलिक इन फुल स्वैग। अब यहाँ वाटरफॉल पे आ गए हम, यहाँ पे 50 रुपए की टिकट है तो इसको देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है वुडलैंड वाटरफॉल, तो इसको भी देख लेते हैं। नैनीताल से 8 किलोमीटर पहले ये, तो चलिए टिकट ले लेते हैं। अच्छा भाई छोले भटूरे सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। चलो यहाँ पे ऐसी कुछ टिकटें हैं यहाँ पे, 5 टिकट वाटरफॉल की वापस मिलेंगी ये दो भाई, आधी मिलेगी फाड़ के दे दी भाई ने। तो चलिए वाटरफॉल देखते हैं भाइयों, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग व्यू। ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ से चढ़ के पूरा। कियांश ये है टाइगर, हाथ लगाना किसी टाइगर पे, हाथ लगाओ हैंड लगाओ, बस बस चलो चलो। ये देखो भाई यहाँ पे ये बस पता नहीं अटकी हुई है, फंसी हुई है, कैसे क्या एक्सीडेंट हो रहा है, क्या है, पूरी की पूरी बस रुकी हुई है यहाँ पे। देखो आप ऊपर चलते हैं और
ये है भाइयों आपका वुडलैंड वाटरफॉल। मतलब बेसिक्स है ये, इसमें क्या है कि जो ऊपर वाली लेक है ना उसका पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से निकल के आता है। तो यही है भाई देखने लायक, 50 रुपये में आपको यही मिलेगा देखने के लिए। यहाँ पे नॉर्मल सा है ये। तो ये हमने अपना वुडलैंड वाटरफॉल देख लिया, अब जा रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। मिस्टर कियांश इज़ वेरी एक्साइटेड। हाँ कह रहा ना वेरी एक्साइटेड। तो चलिए अब अगली अपनी लोकेशन पे चलते हैं। ड्राइवर साहब बताएंगे कहाँ पे जाना है। फन फैक्ट ये है कि उसका नाम भी मोंटी है, नाम भी मोंटी है ड्राइवर का। भैया ये है बुराश का है ना, ये पेड़ से ऐसा फल निकलता है, इसका जूस बनता है ये वाला। तो ये पी के देख रहे हैं कैसा क्या टेस्ट आने वाला है, उसके काफ़ी सारे फायदे हैं, तो ट्राई कर लेते हैं। ये सीजनल वाइज होता है, ऐसा कुछ होता है। ये मैडम मिलेंगे आपको वुडलैंड वाटरफॉल पे, आप इनका जूस पी सकते हैं आगे जी। ये मशीन वगैरह भैया जूस है ना पीने में, जो ये था ये बुराश का था, ये थोड़ा बकबका टेस्ट था, बट लेमन है इनके पास एक और वैरायटी, वो भी नेचुरल है, उसका टेस्ट मतलब एक नींबू पानी था, खट्टा है बट बढ़िया है। तो आप यहाँ पे आओ तो पी सकते हो, हेल्थी चीज़ें नेचुरल है तो पी सकते हो। चलिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं हम। अब हम एक और डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, मतलब पता है क्या छोटे छोटे एरियाज हैं उनको डेस्टिनेशन बनाया गया यहाँ पे। तो ये है सरिता ताल है, ये देख लो ऐसी कुछ है यहाँ पे, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं वाटर एक्टिविटीज़। अब ये किसी छोटा है तो इसमें कर नहीं पाएगा यार, अब हम करेंगे अकेले के, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जब ये बड़ा होगा तभी करेंगे। ये ऐसा कुछ है यहाँ पे, ये सरिता ताल है यहाँ पे, देख लो नीचे जाके दिखाता हूँ आपको एक बार मैं। और इसको कुछ खाने का भी करेंगे यार, खाने का दूध दूध पीना है इसको। तो ये देखो ये सरिता ताल है, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं और पानी बहुत क्लियर है यहाँ का। नीचे का भी ना पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं आपको, भी शायद दिख रहे हो तो ये देख लो, तो पानी बहुत क्लियर है भाई यहाँ का। और कियांश मलिक इज़ गेटिंग बोर्ड। बाकी यहाँ का व्यूज़ तो आपको देख लो यार, पहाड़ियों का तो मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे लवर्स पॉइंट बनाया गया है, ये यहाँ पे कपल्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं। और ये देखो एक नैली ताल का वर्क अराउंड करा रहा हूँ आपको मैं, कि आप इन जगहों पे आ सकते हो। चलिए अब यहाँ पे तो मेरे ख्याल से यही है और कुछ तो नहीं है यहाँ पे, ऐसा देखने लायक कुछ था नहीं भाई, बस लेक है सरिता ताल और ये अपनी गाड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम। और हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है बोटैनिकल गार्डन नैनीताल, हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई, ये देखो अब हम जा रहे हैं शंकर रास्ता का भी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। और ये है बोटैनिकल गार्डन, यहाँ का व्यूज़ देखते हैं कैसा क्या है, और एंट्री एग्जिट यहीं पे है सब कुछ। तो चलिए यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं एक बार।